शर्म से यहाँ
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Yeah.
जरूर लिखवाना
एक सलावत और पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मजलिस तंतुलुस मर्सिये की खुर्रम भाई की फरमाइश पर ये रखी गई है। अब बदनसीबी से अब क्या किया जाएगा, अब इस किस्म की रिवायती और कदीमी मजलिस बहुत कम हो गई, बहुत लिमिटेड हो गई और सुनने वाले भी बहुत कम रह गए हैं। हालांकि ये इस तरह के दर्ज की मजलिस तो आइम्मा के दौर से राइज है और आइम्मा ने अपने सामने अपने अजदाद का मरसिया शायर से पढ़वाया, जिसमें देवल खुदाई और हिबी अली और बहुत बड़े बड़े शायर मौजूद हैं। ये खिताबत तो बर्रे सगीर में 200 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, इससे पहले मरसिया ही हुआ करता था। बहरहाल ये वक्त की वजह थी या कुछ और वजह जिसकी वजह से ये लिमिटेड हो गया। हम तो दुआ कर रहे हैं और कोशिश हैं कि एक मरतबा फिर जो इसका एहिया हो सके और तजदीद हो सके। ज़रा सा ताबून आप हजरात फरमाएंगे, यानी सुनने वाले ज़रा सा ताबून पढ़ने वाला फरमाएगा, क्योंकि मरसी के बारे में गलत फहमी ये भी है कि साफ मरसी की मिल्ली से कम 1.5 घंटे तो पड़ेगा शायद। एक तो शायद ही तो वैसे ही मुसीबत है और फिर 1.5 घंटे की मजलिस मरसी के लिए, तो इसलिए भी लोग और सामे भाग गए। तो हमने ये पहला कदम उठाया कि जनाब 35 से 40 मिनट का मरसिया बहुत ज़्यादा हो गया, तो 40 मिनट वरना 30-35 मिनट में जो है ना वो मरसिया समअप हो जाना चाहिए। मौला आपको सलामत रखें, आप जैसे अगर सारे हो गए तो मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। मौला आपको सलामत रखें। एक साल बाद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मौला करे ये रिवाज पकड़ जाए और ये राइज हो जाए फिर से दोबारा। मेरे मोहतरम बैठे हुए ये साथ रवि लोवल को अपने गरीब खाने में यहीं हैंड ब्लॉक में मजलिस करते हैं, आप इनसे पूछिए कितना एहतमाम करना पड़ता है मरसी की मजलिस के लिए। तो बहरहाल ये हमारे करबला के साथी हैं खुर्रम भाई, इनका हुक्म था, इनकी फरमाइश थी, मैं हाजिर हूँ। अब आप जाने, अब ये आपका इम्तहान है या मेरा इम्तहान मुझे नहीं पता। मोहम्मद शाह साहब ने फरमाइश की कि इमाम हुसैन की जंग पढ़नी, तो मैं सरकार के
पढ़ता हूँ, एक सलावात और पढ़ दीजिएगा मोहम्मद। जो इब्तदाई हिस्सा है उसको तो जैसा कि आप जानते हैं चेहरा कहते हैं, यानी जहाँ से मरसिया शुरू होता है, तो चेहरे में आशूर के फजाइल और आशूर की फजीलत और फिर इमाम हुसैन की जान। एक जरा सलावात और इमाम जमाना के लिए खून से लिखी हुई तहरीर है आशूर का दिन, खून से लिखी हुई तहरीर है आशूर का दिन, हक की मुंह बोलती तस्वीर है आशूर का दिन, दीने इस्लाम की तकदीर है आशूर का दिन, वक्त के पांव की जंजीर है आशूर का दिन, वक्त के पांव की जंजीर है आशूर का दिन। बैठ नजर करता हूँ, वक्त के पांव की जंजीर है आशूर का दिन, साहिबुल असर की मर्जी पर चलेगा आशूर, वक्त के पांव की जंजीर है आशूर का दिन, साहिबुल असर की मर्जी पर चलेगा आशूर, न ढला था न ढला है न ढलेगा। मौलाना आपको सलाम, न ढला था न ढला है न ढलेगा, साहिबुल नसर की मर्जी पर चलेगा आशूर, न ढला था न ढला है न ढलेगा आशूर, लोहे कुरान का मस्तूर है आशूर का दिन, आलमे नूर से मामूर है आशूर का दिन, रौनके जलवा गहे दूर है आशूर, कुन से पहले कहीं मजकूर है आशूर, उनसे पहले कहीं मजकूर है आशूर का दिन, आलमे जर में बसत सोच थी बातें इसकी, कबले तखलीके शबो रोज थी बातें, कबले तखलीके शबो रोज थी बातें। सलावत पढ़िए मोहम्मद, तखलीक है शबो रोज, ये दिन रात की तखलीक तो कल की बात है, आशूर का जिक्र बहुत पहले है। कबले तखलीक है शबो रोज की बातें इसकी, अब्र रहमत की है मानंद सहाबे आशूर, अब्र रहमत की है मानंद सहाबे आशूर, दर्सगाहे बशरियत है निसाबे आशूर, दर्सगाहे बशरियत है निसाबे आशूर, बंद रखा है किसी हश्र ने बाबे आशूर, बंद रखा है किसी हश्र ने बाबे आशूर, दस्ते गैबत को उठाना है निकाबे आशूर। बैत बहुत मशहूर है, दस्ते गैबत ने उठाना है निकाबे आशूर, शोर होगा कि दो आलम के दुलारे हैं हुसैन, जब आशूर की हकीकत पता चलेगी, शोर होगा कि दो आलम के दुलारे हैं हुसैन, यानी हर कौम पुकारेगी हमारे, यानी हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, रुखे फितरत के लिए गाजा है यौमे आशूर, चमने दिल में तरो ताजा है यौमे आशूर, हक की आवाज का आवाजा है यौमे आशूर, आओ बस आखिरी दरवाजा है यौमे, आओ बस आखिरी दलील बैठ में, आओ बस आखिरी दरवाजा है यौमे आशूर, शहरियत मुल्क मवद्दत की यहीं से ली है, शहरियत मुल्क मवद्दत, आओ बस आखिरी दरवाजा है यौमे आशूर, शहरियत मुल्क मवद्दत की यहीं से ली है, हुर ने आकर इसी दरवाजे पे दस्तक दी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उन्होंने आकर इसी दरवाजे पर दस्तक दी है और मिजाजों के लिए यौम बका है आशूर, और मिजाजों के लिए यौम बका है आशूर, फतह खून बर सरे शमशीर जफा है आशूर। अहले दिल से तो जरा पूछिए क्या है आशूर, अहले दिल से तो जरा पूछिए क्या है आशूर, कैसे दिन रात के दाम दूर पड़ेगा मामला। अहले दिल से तो जरा पूछिए क्या है आशूर, कैसे दिन रात को दामन में समूता आशूर, ये खुदाई कहाँ होती जो ना होता। ये खुदाई कहाँ होती जो ना होता आशूर, ऐसा परवरदे गुलशन है कोई दिन तो बता, ऐसा परवरदे गुलशन है कोई दिन तो बता, सब्र से इतना मुजयन कोई दिन है तो बता, ऐसा आलम में मनोअन कोई दिन है तो बता, रोजे आशूर से रोशन कोई दिन है तो बता। रोशन की दलील बैठ में, रोजे आशूर से रोशन कोई दिन है तो बता, रोजे आशूर से रोशन है कोई दिन तो बता, रोशनी देगा कहाँ इसके बराबर सूरज, रोशनी देगा कहाँ इसके बराबर सूरज, निकले एक साथ इसी रोज 72 सूर, निकले एक साथ इसी रोज 72 सूरज, निकले एक साथ इसी रोज 72 सूरज, यौमे आजादी इस्लाम है सुबह आशूर, यौमे आजादी इस्लाम है, इस्लाम है सुबह आशूर, यौमे मौला आपको सलामत रखे, यौमे आजादी इस्लाम है सुबह आशूर, हासिले गर्दिशे अय्याम है सुबह आशूर। मिसरा नजर करता हूँ, हासिले शाजी मिसरा सुनिएगा, हासिले गर्दिशे अय्याम है सुबह आशूर, खुम की दोपहर का अंजाम है सुबह, दोपहर का अंजाम है सुबह आशूर, कुफ्र की मौत का पैगाम है यौमे आशूर, है ये शमशीर बकफ तालिबे बैयत के लिए। अब सुबह की जो रोशनी होती है, जो सफेदी होती है, उसको तशबीह दी है मैंने किसी चीज से, है ये शमशीर बकफ तालिबे बैयत के लिए, ये सफेदी है कफन शाम की जुल्मत के लिए, ये सफेदी है कफन शाम की जुल्मत के लिए, सुबह आशूर है तहसीब मवद्दत की सहर, सुबह आशूर है तजदीद विलायत की सहर, सुबह आशूर है मजलूम की नुसरत की सहर, सुबह आशूर से है हुर तेरी किस्मत की सहर, सुबह आशूर से है हुर तेरी किस्मत की सहर, हुई कैसे सुबह आशूर, सुबह आशूर है, सुबह आशूर से है और तेरी किस्मत की सहर, रोशनी आलमे इनकाम में 72 से हुई, सुबह आशूर अजाने अली अकबर, रोशनी आलमे इनकाम में 72 से हुई, सुबह आशूर अजाने अली अकबर से हुई। बस ये ऐसे ही है कि अली अकबर की अजान ना होती तो रात ढलने नहीं देती जनाबे ज़ैनब, सुबह आशूर अजाने अली अकबर से हुई, दी जो अकबर ने अजान हुर से मुकद्दर जागे, दी जो अकबर ने अजान हुर से मुकद्दर जागे, मलको जिन हुए बेदार पयंबर जागे, कुलजुमे मारिफते हक के शनावर जागे,
अपने बिस्तर से उठे शहर के बाहर दर जा, अपने बिस्तर से उठे शहर के बाहर दर जा। छठा मिसरा मीर अनीस अल्लाह मकामों का तबरुकन मैंने शामिल किया। अपने बिस्तर से उठे शहर के बहत्तर जाके ये अजां फतह का ऐलान थी मोमिन के लिए, ये अजां फतह का ऐलान थी मोमिन के लिए। अरे रातें काटी थी बहत्तर ने इसी दिन के, रातें काटी थी बहत्तर ने इसी दिन के लिए। क्या कैफियत थी जरा देखिए, अल्लाह अल्लाह रफीकान ने हुसैन इब्ने अली, प्यास में तर है गुलिस्तान ने हुसैन इब्ने अली, प्यास में तर है गुलिस्तान ने हुसैन इब्ने अली, बारक अल्लाह वो खासान ने हुसैन इब्ने अली, जा पड़े मौत पशुबान ने हुसैन इब्ने अली, लौहे तारीख आ ये नक्श मुकर्रर न हुए। दोबारा नहीं आया फिर, लौहे तारीख पर ये नक्श मुकर्रर न हुए, ऐसे आशिक तो पैगंबर को मयसर, ऐसे आशिक तो पैगंबर को मयसर न हुए, ऐसे आशिक तो पैगंबर को मयसर न हुए। जाने क्या खोले शब्बीर ने इन पर असरार, शबे आशू, जाने क्या खोले हैं शब्बीर ने इन पर असरार, मौत पर सब है रजामंद हुसैनी अंसार, कोई जीने के लिए इनमें नहीं है तैयार। जाने क्या खोले हैं शब्बीर ने इन पर असरार, मौत पर सब है रजामंद हुसैनी अंसार, कोई जीने के लिए इनमें नहीं है तैयार। शरबते वसल का आंखों में अभी से है खुमार, शरबते वसल का आंखों में अभी से है खुमार। इस दिन के लिए जो बहत्तर की बेचैनी थी वो जरा देखिए मैंने किस कैसे तशबीह दी है। शरबते वसल का आंखों में अभी से है खुमार, करवटे लेते रहे हैं ये पवन कहती है, करवटे लेते रहे हैं ये पवन कहती है, रात भर जागे हैं बिस्तर की शिकन कहती है। रात भर जागे हैं बिस्तर की शिकन कहती है, रात भर जागे हैं बिस्तर की शिकन कहती है। एक बंद और सुनाता हूँ फिर मुख्तसर करके जन्म पे आता हूँ। रात भर जागे हैं बिस्तर की शिकन कहती है, सुबह आशूर को खेमों से गाजी निकले, जान की दिल से लगाते हुए बाजी निकले। सुबह आशूर को खेमों से ये गाजी निकले, जान की दिल से लगाते हुए बाजी निकले, खाक से करके तयम्मुम जो नमाजी निकले, खाक से करके तयम्मुम जो नमाजी निकले, खेमे नूर से सुल्तान हिजाजी निकले, खेमे नूर से सुल्तान हिजाजी निकले, फिर नजर आई ना आलम में इबादत ऐसी, ना नमाज ऐसी हुई और ना जमात, ना नमाज ऐसी हुई और ना जमात ऐसी, ना जमात ना नमाज ऐसी हुई। एक दो बंद पढ़ दूं और मैं इस जमात इस नमाज के जरा दो तीन एक दो बंद, ना नमाज ऐसी हुई और ना जमात ऐसी, एक नमाज और भी जारी थी इसी के हमरा, एक नमाज और भी। अगले मिसरे में आप परेशान ना हो, कुछ लोग हैरत से दिख रही क्या, एक नमाज और भी जारी थी इसी के हमरा, आगे मौला के खड़े हो गए दो गैरत बाग, एक नमाज और भी जारी थी इसी के हमरा, आगे मौला के खड़े हो गए दो गैरत माँ, एक सईद अजली एक जुहैर जीजा,
سعید ازلی ایک زہر زی جا اس ضعیفی میں جمع مر دی یہ ماشاء اللہ اس ضعیفی میں جمع مر دی یہ ماشاء اللہ تیر کے رخ جو ستمگار ادھر کرتے تھے دونوں جانباز یہ سینوں کو سپر تھے کیوں دعا گو نہ ہو ان کے لیے سلطان نجف موت بھی دیکھ کے حیران تھی یہ شوق و شغف زخم کھاتے رہے ہنستے رہے یہ فخر خلف ایک بھی تیر نہ آنے دیا مولا کی طرف انبیاء دیکھ رہے تھے یہ نظارہ بن میں ختم ایک ساتھ ہوئی دونوں نمازیں رنگ ختم ایک ساتھ ہوئی دونوں نمازیں رنگ میں ایک صلوات پڑھ دیجئے بس میں نے مختصر کیا جنگ پیش کرتا ہوں ختم ایک ساتھ ہوئی دونوں نمازیں رنگ میں آئی آواز حسین ابن علی غیظ میں ہے بس یہ 10-15 بندے جنگ کے یہ سن لیجیے اور اس کے بعد آئی آواز حسین ابن علی غیظ میں ہے فاطمہ زہرا کی کلی غیظ میں ہے مصطفیٰ غیظ میں ولیوں کا ولی غیظ میں ہے صرف شبیر نہیں رب جلی غیظ صرف شبیر نہیں رب جلی غیظ میں ہے لشکر کفار سے یہ تانا ہونے لگا تھا جب امام حسین اکیلے رہ گئے کہ اب امام حسین سے کیا جنگ ہوگی اب تو سب کچھ امام حسین کا لٹ چکا سب مارے گئے اب کیا لڑیں گے حسین اس کا جواب امام حسین نے جو دیا وہ بیت میں نظر کرتا ہوں صرف شبیر نہیں رب جلی غیظ میں ہے شیر زہرا کی حمیت کا سوال آیا ہے آج اللہ کی رحمت کو جلال آیا تشنا لب دیکھ سے ساقی نہ بچے گا کوئی فکر بیعت کا مذاقی نہ بچے گا کوئی ہو وہ شامی یا عراقی نہ بچے گا لشکر کفر میں باقی نہ بچے گا ہوگا کیا جب حسین غیظ میں ہیں اب تو کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں جو روک سکتی ہیں حسین کو وہ کون ہے میں پیش کر رہا ہوں لشکر کفر میں باقی نہ بچے گا کوئی موت کی کیا ہے مجال اب جو اسے ٹوکے گی یا خدا روکے گا یا بنت علی روکے گی محمد یا خدا روکے گا یا بنت علی روکے گی یا خدا روکے گا یا بنت علی روکے گی فیصلہ کن میرے مولا کی لڑائی ہوگی خون میں تر ابھی دریا کی ترائی ہوگی موت کے سر پہ گھٹا موت کی چھائی ہوگی ایسے میدان میں ہر صف کی صفائی نہ ملے گا کوئی مٹی میں دبانے والا کوئی لاشے بھی نہیں ہوگا اٹھانے والا ابھی کھل جائے گا شبیر اکیلے کیا ہے
फातिमी शेर के आगे ये दरिंदे क्या है? फातिमी शेर के आगे ये दरिंदे, सामने कामत तौहीद के बौने क्या है? सामने कामत तौहीद के बौने क्या है? शाम के सूरमा अपने को समझते क्या है? शाम के सूरमा अपने को समझते क्या है? होगा इस शान से हमला असदे गालिब का, होगा इस शान से हमला असदे गालिब का, कलमा पढ़ पढ़ के मरेंगे ये अबू दाल। पढ़ पढ़ के मरेंगे ये अबू तालिब का, रब्बी राजी किसरे शाह नजब से होगा, दाग का नारा बुजुर्गान सलफ से होगा, खून जारी अभी हर संग खजब से होगा, पहला हमला ही 72 की तरफ से होगा। पहला हमला 17 हमले किए इमाम से, पहला हमला ही 72 की तरफ से होगा, मलकुल मौत को मख्तल में न फुर्सत होगी। मलकुल मौत को मख्तल में न फुर्सत होगी, अरे सब्र के टूटे हैं बंद अब तो कयामत हो। सब्र के टूटे हैं बंद अब तो कयामत होगी, जोर अब अपनी कलाई का दिखाएंगे हुसैन, हश्र कुफार के लश्कर में उठाएंगे हुसैन, क्या है खूने अबू तालिब ये बताएंगे हुसैन, भागने वालों को मैदान से भगाएंगे। होगा क्या? भागने वालों को मैदान से भगाएंगे हुसैन, देंगे कूफे में खबर भाग के जाने वाले, देंगे कूफे में खबर भाग के जाने वाले, भागो भागो यहाँ शबीर है आने। भागो भागो यहाँ शबीर है आने वाले, आतशे गैस से गर्दू पर जलेगा सूरज, अभी कुछ देर में आधा को खलेगा सूरज, शेह के अबरू के इशारे पर चलेगा सूरज। यकीन माने इमाम हुसैन ने रोक दिया सूरज को, शेह के अबरू के इशारे पर चलेगा सूरज, आज शब्बीर कहेंगे तो ढलेगा सूरज, आज शब्बीर कहेंगे तो ढलेगा सूरज, जान लड़ा देंगे लहू आज बहाने में हुसैन, शाम होने ही नहीं देंगे जमाने में। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले में। शाम होने ही नहीं देंगे जमाने में हुसैन, हो गई जंग पा आमादा खुदा की कुदरत, हो गई दूसरा मिसरा नजर करता हूँ, हो गई जंग पा आमादा खुदा की कुदरत, गैस को दे के जगा हट गई पीछे रहमत। रहमतुल्लाह नबी के नवासे ना, ऐसे कैसे लड़ सकते, गैस को देख के जगह हट गई पीछे रहमत, प्यार से बात की लेकिन नहीं समझी उम्मत, 6 महीने से बहुत शोर था बैरत, 6 महीने से बहुत शोर था बैरत, बैरत तेज मैदान में जब इब्ने अली तोलेगा, कोई बैयत तो कुजा बेबी नहीं बोलेगा, कोई बैयत तो कुजा बेबी नहीं बोलेगा, कोई बैयत तो कुजा बेबी नहीं बोलेगा। अल्लाह अल्लाह रे शब्बीर की हैबत ये जलाल, तेज़े खम होती है ढाले हुई जाती है मैं ढाल, तेज़े खम होती है
ढाली हुई जाती है निहाल, असर से पहले हुआ जाता है लश्कर का जवाल। शिमर खूली उमरे साथ सभी हैं बेहाल, खौफ से आता नहीं है बिन काहिल रंग में। पहला हमला ही 72 की तरफ से होगा। शिमर खूली उमरे साथ सभी हैं बेहाल, खौफ से आता नहीं है बिन काहिल रंग में, छुपते फिरते हैं अलमदार के कातिल रंग में। छुपते फिरते हैं अलमदार के कातिल रंग में, आस्तीनों को उलटते हैं हुसैन इब्ने अली। मुर्तजिस से वहां शमशीर अली की बोली, साथ देना है मुझे तेरा मेरा, साथ देना है तुझे मेरा ऐ रहवारे नबी, आखिरी जंग है ये कबले ज़हूरे मेहदी। फिर नहीं लड़े आठ इमाम, कहा लड़े? आखिरी जंग है ये कबले ज़हूरे मेहदी, आज हर मुनकिरे जहरा को जकड़ना होगा, आज हर मुनकिरे मौला को जकड़ना होगा, नौ इमामों की तरफ से हमें लड़ना हो। नौ इमामों की तरफ से हमें लड़ना होगा। जुल्फिकार कह रही है मुर्तजिस से। अच्छा, इसमें हैरत की तो कोई बात नहीं कि तलवार कैसे बात करेगी, जब नबी के हाथ पर आकर संगरेजा बात कर सकता है। जुल्फिकार की तो बात ही और है। नौ इमामों की तरफ से हमें लड़ना होगा, क्या कह रही है जुल्फिकार? मुर्तजिस देखना, हर कासे सर तोड़ लूंगी। मुर्तजिस देखना, हर कासे सर तोड़ूंगी, अली अकबर की कसम कल्ब जिगर तोड़ूंगी। रूहे जिस्मे हैं मकी, आज वो घर तोड़ूंगी, मुझको गाजी की कसम इनकी कमर तोड़, मुझको गाजी की कसम, मुझको कैसी कसम खाई है, मुझको गाजी की कसम इनकी कमर तोड़ लूंगी। और मुर्तजी से क्या कहा जुल्फिकार ने? काम तेरा है कि बेहाल हो लाशे ऐसे, खुश हो कासिम मेरा पामाल हो लाशे ऐसे। सलवार पढ़ लिया मोहम्मद वाले, अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। खुश हो कासिम मेरा पामाल हो लाशे ऐसे, हमको मैदान में इस तरह कदम रखना है, दम बदम फौज का उखड़ा हुआ दम रखना है, तोड़कर मुंशी जुल्मत का कलम रखना है, आज ज़ैनब की तमन्ना का भरम रखना है, रहम को गैस पर गालिब नहीं आने देना, कहीं मौला को अकेले नहीं जाने देना, कहीं मौला को अकेले नहीं जाने देना। अब जुल्फिकार तारीफ कर रही मुर्तजिस की, अली की तलवार। मुर्तजिस कौन है अनजान वफा से तेरी, प्यार खालिक को है हर एक अदा से तेरी, एक सूरा हुआ मंसूब सना से तेरी, एक सूरा हुआ मंसूब वलादियात ज़बन, एक सूरा हुआ मंसूब सना से तेरी, अजमतें मुझको है मालूम ए प्यासे तेरी, अजमतें मुझको है मालूम ए प्यासे तेरी। अब मुर्तजिस मौला की बात कर रहे हैं, मैं मौला की सवारी की बात कर रहा हूँ। अजमतें मुझको है मालूम है प्यासे तेरी, मिसले गुन याली गर तेरी जबानी निकले, अभी ठोकर से तेरी दश्त में पानी, अभी ठोकर से तेरी दश्त में पानी निकले। मुर्तजिस बोला, मुझे भी नहीं आता है करार, मेरे चेहरे से नुमाया है गजब के आसार, शेख की नुसरत के लिए कब से हूँ मैं भी तैयार, खाक उड़ाता हूँ जो मैं अपने सुबों से हर बार, तस्वीर आ गई आपके जहन में, खाक उड़ाता हूँ जो मैं अपने सुबों से हर बार, इसका मतलब है पता है मुझे हद बैयत की। ये सुबों से खाक क्यों उड़ा रहा है? इसका मतलब है पता है मुझे हद बैयत की, पांव से खोद रहा हूं ये लहद बैयत। पांव से खोद रहा हूं ये लहद बैयत की, जंग में मौला इजाजत हमें इतनी दे दे,
यानी कुछ देर को अपनी हमें मर्जी दे दे, मौत की बाग हमें जीत की डोरी दे दे, आज मौला मलकुल मौत को छुट्टी दे दे, आज मौला बस का काम नहीं है भाई, आज मौला मलकुल मौत को छुट्टी दे दे, देखकर तेजी हमारी न वो घबरा जाए, देखकर तेजी हमारी न वो घबरा जाए, रूहें हम दोनों निकाले तो मजा आ जाए। सुनते रहे दोनों की हुसैन इब्ने अली, प्यार दोनों को किया और वो बोला ये सही, ये वफादारी तुम्हारी नहीं भूलूंगा कभी, मुड़ के फिर सानिए जहरा से इजाजत चाही, हाँ जो जैनब ने कहा ऐसे नमूदार हुए, अभी अहमद थे अभी हैदर कर्रा, अभी अहमद थे अभी बुजुर्ग तो सब जानते हैं तारीख जो इमाम हुसैन की है, ये नौजवानों के लिए अर्ज करता हूँ, अभी अहमद थे अभी हैदर कर्रार हुए, सरहदे जंग बनाने लगा इब्ने जहरा, सरहदे जंग बनाने लगा इब्ने जहरा, सामने खेमे सादात के नैजा गाड़ा, गाड़ कर दूसरे नैजे को नुखैला पे कहा, ये आप करबला जाने वाले बहुत सारे इस मजमे में सामईन बैठे हुए हैं, ये नुखैला जब आप करबला से नजफ के रास्ते में जाएंगे ना तो हिल्ला से जब उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे तो ये वहाँ वहाँ एक मकाम में ज़ुल्किफ़्ल एक नबी की ज़ियारत है, वो जगह नुखैला कहलाती है। गाड़ कर एक खेमा सादात यानी खयाम हुसैनी पर एक नेजा उस जगह गाड़ कर दूसरे नेजे को नुखैला पे कहा, ये मेरी जंग की सरहद है सुने अहले जफा, पार सरहद जो करे वो ये जमानत ले ले, हाकिमे शाम की शब्बीर से बैयत ले ले। इमाम हुसैन ने 9 लाख को मुखातिब करके कहा, हाकिमे शाम की शब्बीर से बैयत ले ले, ये खबर सुन के बड़े सूए हदफ नंगे खलफ, यहाँ से शब्बीर चले गैज में शमशीर बकफ, मर्द कोई न था 9 लाख में छूटा जो हदफ, मौत ही मौत नजर आती थी बस चारों तरफ, मौत ही मौत नजर आती थी बस चारों तरफ, फौज मैदान में परेशान थी कितने हैं हुसैन, फौज मैदान में परेशान थी कितने हैं हुसैन, हर कोई चीख रहा था मेरे पीछे, हर कोई चीख रहा था मेरे पीछे है हुसैन, हर कोई चीख रहा था मेरे पीछे है हुसैन, कह के या जहरा जो मौला ने निकाली तलवार, डर गए देख के कुछ लोग निराली तलवार, कुछ ने चोरों की तरह पीछे छुपा ली तलवार, बोली ये शाम के लश्कर से जला ली तलवार, बार से अपने सभी फितने करूंगी टुकड़े, गिन न पाएगी कजा इतने करूंगी टुकड़े, सरबत तलवार वक्त हो गया 3-4 बनवा, गिन न पाएगी कजा इतने करूंगी टुकड़े। अब हमले के बाद हुआ क्या, अफरा तफरी थी वो भगदड़ थी वो हलचल तौबा, दश्त में खून से ऐसी बनी दल दल तौबा, अपने हालात पा खुद करता था मक्तल तौबा, कह रहा था मलकुल मौत मुसलसल ये मैंने बैग लिखी है, लेकिन ये है अनीस से मुतासिर होकर मलकुल मौत की कैफियत क्या थी वो मैं बैग सुनाता हूँ अनीस की, कि इस कदर तेजी से इमाम हुसैन का हमला हो रहा था उस सिचुएशन पर मीर अनीस ने क्या कहा है वो मैं सुनाता हूँ तबरुकन, फिर मैं अपनी बैग पेश करूँ कि मलकुल मौत की कैफियत क्या थी जब तेजी से हमला हो रहा था इमाम हुसैन के लिए। कहते हैं इस समत चलते चलते जो इस समत फिर गए इमाम हुसैन, इस समत चलते चलते जो इस समत फिर गए, जल्दी में मुंह के बल मलकुल मौत,
اسلامی لکھ سکتے ہو. اس سمت چلتے چلتے جو اس سمت پھر گئے جلدی میں منہ کے بل ملک بل. وہ افراتفری تھی, وہ بھگدڑ تھی, وہ ہلچل توبہ, دشت میں خون سے ایسی بنی دلدل توبہ, اپنے حالات پر خود کرتا تھا مقتل توبہ, کہہ رہا تھا ملک الموت مسلسل توبہ. اب مجھے دیکھیں گے تو آپ کو چھٹا مثال سمجھ میں آئے گا. کہہ رہا تھا ملک الموت مسلسل توبہ, خود کو گرتے ہوئے ہر بار سنبھالا اس نے سر بچاتے ہوئے روح. درود پڑھنے محمد علیہ وسلم. سر بچاتے ہوئے روحوں کو نکالا اس نے. ایک صلوات پڑھیے. سر بچاتے ہوئے روحوں کو نکالا, بس دو بند. سر بچاتے ہوئے روحوں کو نکالا اس نے, موجدے کن نے کیے ہر ستم ایجاد کے دو. موجدے کن نے کیے ہر ستم ایجاد کے دو, تیر کے, خود کے, شمشیر کے, فولاد کے. امیر علیف میرے ساتھ پڑھیے تو آپ کو لطف ہے. موجدے کن نے کیے ہر ستم ایجاد کے, ہاں, تیر کے, خود کے, شمشیر کے, فولاد کے. حد ہے سائے بھی ہوئے جاتے تھے افراد کے. سائے بھی ہوئے جاتے تھے افراد کے دو, جسم کے دو کیے دو, روح کے حمزات کے دو. موت یوں ظاہر و باطن کو دیے جاتے تھے, ایک ہی بار میں چھ ٹکڑے کیے. دیکھ کر شے کا غضب, آخری بند, دیکھ کر شے کا غضب, بولے فرشتے پیغام, ہونے والی ہے خدائی ابھی درہم برہم. اب مالک کی جو کیفیت ہے, مالک کا غصہ, مالک کا پیار, نوکر زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ مالک اس وقت غصے میں ہے, جو کیفیت ہے وہ کیا ہونے والا ہے. تو اب جو سب سے قریب نوکر کا, اس نے کیا کہا, فرشتے تو آپس میں بات کر رہے تھے, دیکھ کر شہ کا غضب, بولے فرشتے پہم, ہونے والی ہے خدائی ابھی درہم برہم. بولے جبریل نہ گھبراؤ فرشتو اس دم. نوکر بہتر جانتے ہیں نا. بولے جبریل نہ گھبراؤ فرشتو اس دم, خالق ارض و سما ہے یہی خالق کی قسم, کیا ہوا آج خدائی جو مٹا دیں گے حسین. آج خدائی جو مٹا دیں گے حسین, پھر سے دنیا نئی کن کہہ کے بنا دے. پھر سے دنیا نئی کن کہہ کے بنا دیں گے حسین. نہر بھی کہتی تھی یہ بات, یہی دریا بھی خوف کے مارے ہوئے کہتے رہے آدھا بھی, زندہ تو زندہ صدا دیتا تھا یہ مردہ بھی, تیغ بھی حیدر کرار کی ہے بیٹا بھی, تیغ بھی حیدر کرار کی ہے. بس یہ واحد نسخہ ہے جو علی کی تلوار سے بچا سکتا ہے. وہ نسخہ آج کے دور کے لیے بھی ہے اور 1400 سال پہلے کے لیے بھی تھا. وہ نسخہ کیا ہے وہ میں بیت میں پیش کر رہا ہوں. تیغ بھی حیدر کرار کی ہے بیٹا بھی, اس سے بچنے کی تمنا ہے تو للہ پڑھ لو. اس سے بچنے کی تمنا ہے آج کے لیے بھی ہے, اس سے بچنے کی تمنا ہے تو للہ پڑھ لو, جتنے زندہ ہو علی الولی اللہ.
जितने जिंदा हो अली वली पढ़ लो। मुर्तजा की ये सदा आती थी शाबाश हुसैन, माँ भी पहलू से कहे जाती थी शाबाश हुसैन, जद का पैगाम हवा लाती थी शाबाश हुसैन, साथ वाजिब भी ये फरमाती थी शाबाश हुसैन। दाद देते तेरे अजदाद में ऐसा लड़ता, मैं बदन रखता तो बिल्कुल तेरे जैसा, मैं बदन रखता तो बिल्कुल तेरे जैसा लड़ता। नहर तक आ गए लड़ते हुए शाहे खुशबू, ठहरे कुछ पल तो शजाहत ने दबाए बाजू, कोहनियों से मेरे मौला की टपकता था लहू, फिर पुकारे उमरे साथ कहाँ छुप गया तू, हाशमी शेर से लड़नी थी जो 9 लाख सिपा, ये थी लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये थी लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ठंडी ठंडी जो लगी नहर की जानिब से हवा, शहर ने हसरत से किसी लाश की जानिब देखा, रो के ये कहने लगा 16 पहर का प्यासा, हो गया नहर पे अब्बास हमारा कब्जा। देखिए तीन शहीदों को इमाम हुसैन ने याद किया जब फरात पे पहुंच गए, जिनका बिल्कुल बिला डायरेक्ट इमाम हुसैन से प्यास के हवाले से रब्ता था। हो गया नहर पे अब्बास हमारा कब्जा, दिल में सकाई की हसरत थी जो पूरी कर लो, उठो अब्बास मेरे मश्के सकीना भर, उठो अब्बास मेरे मश्के सकीना भर लो। ना कहा लाशे अकबर पे गई शहर की नजर, थाम कर दिल को कहा इब्ने अली ने रोकर, तुमने उस वक्त सवाल हमसे किया था अकबर, जबकि बेबस था बहुत साकी ये कौसर का पिसर, अरे प्यास के जख्म मेरे यूसुफ सानी शीलो, आओ हम शक्ल नबी नहर से पानी पी लो। याद फिर आ गया मजलूम को प्यासा असगर, हाथ फैला के कहा शाह ने आजा असगर, अभी अब भी नजरों में तेरा फिरता है चेहरा असगर, जख्म कैसा है गले का मेरे बेटा असगर, तू इशारा जो करे प्यास बुझाऊं बेटा, पानी भरकर मैं तेरी कब्र पर लाऊं बेटा, पानी भरकर मैं तेरी कब्र पे लाऊं बेटा। बस एक रिवायत 5 बंद और आपसे इजाजत, मौला आपको कोई गम करने सिवाय भी नहीं हो सकता। एक रिवायत में है उलमाए मकातिल ने लिखा, जिसको सुनते ही लरस जाते हैं सब अहले अदा, करबला में है मकाम एक अजीब अजब गुरबत का, है लबे नहर वो मंसूर जो कायम से हुआ, मकाम इमाम ज़माना, वही होता है शबो रोज कयाम मेहदी, खून रोते हैं वहां आके इमाम मेहदी, गैबते सुगरा में पूछा ये किसी ने इमाम, दूर यहाँ से है अभी कब्रे शहनशाह अनाम, खून क्यों रोते हैं यहाँ आप ये कैसा है मकाम, बोले हजरत मेरे मजलूम की गुर्बत को सलाम, यौमे आशूर था जख्मों का सरापा शब्बीर, इस जगह जीन से गिरे थे मेरे दादा शब्बीर, इस जगह जी से गिरे थे मेरे दादा शब्बीर, आगे किस तरह बताऊं मेरा फटता है जिगर, यहाँ से वहां तक किया कैसे मेरे दादा ने सफर, आपने तो देखा कम से कम 1000 मीटर है कतलगा इस मकाम इमाम ज़माना से, यहाँ से वहां तक किया कैसे मेरे दादा ने सफर, कैसे बैठे कभी उठे कभी तड़पे सरवर, जब ना उठा गया हजरत से जमीन पर जमीन से गिरकर, वहां से आगे उन्हें फिर दुश्मन मुरसल लाया, अरे शिम्र बालों से पकड़कर उन्हें मक्तल, शिम्र बालों से पकड़ दो बन, शिम्र बालों से पकड़कर उन्हें मक्तल लाया, पांव खत देते थे मजलूम के बालाए जमीन, एक कयामत थी बपा गंज शहीदा के करीब, जिसमें अब्बास तड़पता था कहीं हाथ कहीं, और इस पर ये सितम हंसता रहा शिमरे नहीं, देखकर हाथ ये सैदानिया घबराती थी, अरे पीछे पीछे मेरी दादी भी चली आती थी, जोड़कर हाथ वो कहती थी सितमगर रुक जा, इस कदर जुल्म न कर पहले पयंबर रुक जा, हाय ये जलती जमीन और मेरा दिल पर रुक जा, अरे मैं बिछा दूं जरा मजलूम पर चादर रुक जा, चक्कियां पीस के ऐ शिम्र इसे पाला है, पानी तो घूर पिला दे ये बहुत प्यासा। मातम
मानिए मुसीबत से नब से माजी दीदी ना सोएगी
زخموں کے سبب غازی کی بغل اب قبر میں بھی نہ سوئے گی غازی. سنے شیر سنے اسی بات میں اب چین کی نیند کبھی اولاد علی نہ سوئے دربار میں قاتل اکبر کا کہتا تھا میرا دعویٰ ہے. کیا دعویٰ کر رہا ہے قاتل علی اکبر؟ کہتا تھا میرا دعویٰ ہے برچی کا زخم مجھے مجھے حکم ہے تو میں اس کی تعمیل میں نظر کر دیتا ہوں. امام حسین کے حال پر ایک مرثیہ ہے جس کی ذاکرہ ثانی زہرا بی بی ہے. جب بی بی مدینہ واپس پہنچی ہے تو بی بی سب سے پہلے اپنی والدہ کی قبر پر گئی ہے اور قبر سے لپٹ کے بی بی نے کچھ بہم کیے ہیں. بس میں دو تین من پر نظر کر دیتا ہوں اس بہم کے کیونکہ یہی ایام ہیں الوداعی ایام ہیں تو میں نظر کر دیتا ہوں. کیا بہن کی ہے ماں بیٹی کا بہن موضوع امام حسین ذکر امام حسین کی مصیبت بتا رہی ہے. جناب ثانیہ زہرا اپنی والدہ کو کیا کیا غربت انہوں نے امام حسین کی دیکھی ہے. ایک ایک مصیبت میرے ساتھ رو رو کے ماں کی قبر پہ رو رو کے ماں کی قبر پہ زینب نے دی صدا. کیا صدا دی بی بی نے؟ میں دیکھتی رہی سر شبیر کٹ گیا میں سنے کیا بیان کیا جناب ثانیہ زہرا نے. پابندیاں تھی داشت میں زینب کے بہن پر رونے نہیں دیا مجھے لاش حسین پر اماں یہ میرا صبر یہ ہے کہتا تھا شمر بہنے
सदा गौर से सुनी, हर ज़ैब पर हुसैन ने गाजी को दी सदा। मैंने एक तीर फिर दे फिर हुसैन के हर ज़ैब पे मेरी कैसा खश्म मैंने सदा गौर से सुनी, हर ज़ैब पर हुसैन ने गाज़ी को दी सदा। मैं देखती रही सर शरीर कट गया। इसमें दर्द ही अजब है, आप जब आएंगे। मैं देखती रही सर शरीर कट कट गया। अजीब दुख में बीबी ने कहा है, क्या बहन करते हैं। मैं देखती रही इस देखते सह बीबी के मिसरा। ये हुक्म था शरीयत खैर नाम में है भी हैवान भी नज़्ब है के सामने, किस्मत सकीना की है मुकद्दर है ये मेरा। मैं किस्मत सकीना की मुकद्दर है मेरा। मैं देखती सर शरीर कट गया, मैं देखती सर शरीर कट गया। आप भी बात सुन लीजिए। अम्मा बताओ तुमको मैं वो दर्द का हाथों में सर उठा के शिवर मेरी तरफ देता रहा। मैं देखती रही सर शरीर कट गया, वो आबिदे बीमार था, वो आबिदे बीमार था, चलने से जो नाचार था, और शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। शब्बीर की वो लाडली, शब्बीर की वो लाडली, सीने पे जो शकीर बली, जिसकी अबाबत में जली, जिसकी अबाबत में जली, मुंह पर तमाचो के निशान, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक इमाम या हसन या हुसैन। वो ज़ैनब कुलसुम थी, वो ज़ैनब कुलसुम थी, चादर से जो महरूम थी, ना महरमों के दरमियाँ रोती रही शहजादियाँ। हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय शाम, हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय शाम, हाय हाय ज़ैनब, हाय हाय शाम। वो बावफा अब्बास था, वो बावफा अब्बास था, दुखियों की जो एक रास था, पानी लिया पर ना पिया, पानी लिया पर ना पिया, मासूम का ऐसा
अब्बास तेरा हक है जमाना तुझे रोए, अब्बास तेरा सकीना तुझे रोए, कैसे तेरे
Hey!
उसको चैन आए ना, क्या करे मां।